सो so, अभी तक आपने सीखा कि अपनी वेबसाइट की अपियरेंस कैसे बदल सकते हैं और uh, पेरेंस से मुराद है थीम्स थीम्स कैसे आप अपनी वर्ड वेबसाइट की नई नई ऐड कर सकते हैं और पुरानी वाली को डिलीट भी कर सकते हैं मैनेज भी कर सकते हैं यू कैन ऑल डू दिस ऑन द फ्लाई यूजिंग वर्ड प्रेस बट वी आर मोर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर दैट्स वाई वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ड प्रेस प्लग क्या हैं वर्ड प्रेस प्लग कभी आपने लफ्स सुना प्लगंस प्लग क्या होता है प्लगिन में जो प्लग का है, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट और उसमें आप कोई चीज जाके प्लग इन करते हैं सो प्लग लेट यू चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ अ वेबसाइट दे लेट यू एड न्यू एक्सटेंशन टू योर वेबसाइट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था देर आर थाउजेंड ऑफ फ्री प्लग नॉट जस्ट थाउजेंड देर आर मिलियंस ऑफ फ्री प्लगन्स अवेलेबल ऑनलाइन उसके साथ साथ कुछ पेड प्लगन्स भी हैं लेकिन हमारा फोकस इस स्पेसिफिक लेसन में वुड बी टूवर्ड्स फ्री प्लग एंड हाउ यू कैन यूज फ्री प्लगन्स टू चेंज नॉट द लुक एंड फील ऑफ योर वेबसाइट बट द फंक्शनैलिटी ऑफ योर वेबसाइट आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील चेंज होगी किससे थीम से लेकिन आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी एनहैंस कैसे होगी प्लगिन से शायद आपके जहन में कुछ क्वेश्चन आए कि आर देर एनी पेड प्लगिन आउट यस एज आई मेन्शन प्लग आर अवेलेबल फॉर फ्री बट दे आर लॉट ऑफ एडवांस प्लगंस टू विच आर अवेलेबल एज पेड एक्सटेंशन ऑल्दो वी वुड सजेस्ट यू फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्स यू कीप योर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट फ्री प्लगंस लेकिन अगर आप पेड प्लग फ्यूचर में लेना चाहें अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को एक्सटैंड करना चाहें एक्सटेंड करना चाहें या एक्सपैंड uh, करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं एक और क्वेश्चन जो आपके जेन में शायद आए हाउ मैनी प्लगइन्स शुड आई इंस्टॉल ऑन माई वेबसाइट द आंसर टू दिस इज एज मैनी एज यू वॉन्ट जितने प्लग आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपकी मर्जी है लेकिन याद रहे कि प्लगइन्स आर स्मॉल बिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड जितने ज़्यादा प्लग आप इंस्टॉल करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पर फ़र्क आएगा एज लॉन्ग एज योर वेबसाइट्स फंक्शनैलिटी डज नॉट गेट अफेक्टेड यू कैन इंस्टॉल एज बनी प्लगइन्स एज यू वांट। लेकिन जहन में रखें कि आपकी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उसके अलावा शायद आपका एक क्वेश्चन हो कि हाउ केन आई फाइंड द बेस्ट प्लग इंस फॉर अ सर्टन फंक्शनैलिटी ये भी आप पे डिपेंड करता है आपने देखना है कि आपको कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए और किस फंक्शनैलिटी को आप ऐड करना चाह रहे हैं आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कोई भी एक फंक्शनैलिटी का नाम लिखें और उसके आगे लिखें वर्ड प्रेस प्लग इन यू विल फाइंड द राइट वर्ड प्रेस प्लग इन विच विल हेल्प यू बिकम सक्सेसफुल फ्री लासर सो आगे हम चलते हैं एंड हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्लग को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं प्लग आर अवेलेबल ऑन योर डैशबोर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड बार प्लग का एक बटन है जो साइड बार में अवेलेबल है और इसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं दिस इज़ वट द प्लग इन स्क्रीन लुक्स लाइक इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं एक सेक्शन है जिसमें आप प्लग को इंस्टॉल कर सकते हैं एक सेक्शन है जिसमें आप प्लग को मैनेज कर सकते हैं एक सेक्शन है जिसमें आप प्लग को डीएक्टिवेट एक्टिवेट कर सकते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं वी विल हेल्प यू इंस्टॉल दीज प्लग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन योर वेबसाइट सो मेरे साथ रहे नाउ यू आर रेडी टू इंस्टॉल प्लग इंस ऑन योर वर्ड प्रेस वेबसाइट अपना ब्राउजर खोलें, अपने वर्ड प्रेस लिंक पे जाएं। मेरे पास ये ऑलरेडी सेव हो गया है एंड ओपन द वेबसाइट टू लॉग इन अब आप देख सकते हैं कि हमने थीम जैसे चेंज की थी द न्यू थीम इज़ नाउ विजिबल एंड आई थिंक इट लुक्स ब्यूटिफुल वी विल गेट टू हैव मोर थीम्स विच विल लुक मच बेटर बट राइट नाउ आर फोकस इज टू लॉग इन अच्छा कुछ केसेस में आप नोटिस uh, करेंगे कि हो सकता है आपकी थीम ऐसी हो कि आपको लॉग इन का लिंक नजर ना आए जिस तरह मेरे केस में इस वक्त हो रहा है तो मैं ये करूंगा कि आई विल गो एंड आई विल क्लिक ऑन द लिंक एंड स्लैश डब्ल्यू पी एडमिन और यहां से मैं लॉग इन करूंगा जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया एंड देन आई विल गो टू दर्ड प्रेस डैशबोर्ड विच इज द प्लेस टू गेट एवरी डन लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है प्लग आई विल क्लिक ऑन प्लग ताकि मैं वर्ड प्रेस की नई फंक्शनैलिटी जो एड करना चाह रहा हूं उसमें वो कर सकूं सो so जैसे आप प्लगिन को क्लिक करते हैं यू विल नोटिस कि आपके पास डिफरेंट चीजें सामने आपको नजर आ रही होंगी एक लिस्ट की फॉर्म में सो so, कुछ जिस तरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अकेस्म एंटी स्पैम ऑल इन वन डब्ल्यू बी माइग्रेशन हेलो डॉली अंडर कंस्ट्रक्शन ये चीजें क्या हैं दीज आर स्मॉल बिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर विच योर वेबसाइट टू गिव यू गुड एंड बेटर फंक्शनैलिटी एंड यू कैन एक्टिवेट दम और डीएक्टिवेट दम एट एनी टाइम सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक प्लगइन है जो पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है मैं उसको डीएक्टिवेट करना चाह रहा हूं सो आई जस्ट क्लिक ऑन डीएक्टिवेट एंड इन नो टाइम यू विल सी के वो प्लगइन डीएक्टिवेट हो गया सो so, जब प्लगइन डीएक्टिवेटेड रहता है तो वो उसके बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट हो जाता है और जब प्लगइन एक्टिवेटेड रहता है तो उसका जो बैकग्राउंड है दैट्स ब्लू सो इसी तरह लेट्स लुक फॉर सम ऑफ

उसमें कोई सस्पिशियस लिंक्स हो सकते हैं और साथ साथ ये देखें कि कितनी वेबसाइट्स पे वो प्लगइन इंस्टॉल हुआ है जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं साथ -साथ कि वो आपके वर्डप्रेस के वर्जन के साथ चलेगा कि नहीं चलेगा और वो लास्ट अपडेट कब हुआ था मेक श्योर दैट योर प्लग इन वॉज अपडेटेड एज रिसेंट एज अ फ्यू मंथ्स तो मैं यहाँ पे कुछ प्लगन मुझे नजर आ रहे हैं आई लुक फॉर द पॉपुलर प्लगन्स तो मैं पॉपुलर पे क्लिक करूंगा एंड आई एल सी के मुझे यहाँ पे डिफरेंट जो है वो प्लगन्स मिल गए हैं जो डिफरेंट फंक्शनैलिटी uh, को अचीव करने में मेरी हेल्प करेंगे सो वट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट सेलेक्ट वन प्लगन एंड आई कैन इंस्टॉल इट तो मैं जाऊँगा रिकमेंडेड प्लगन्स पे रिकमेंडेड प्लग इन्स पे इट विल गिव मी अ फ्यू ऑफ द रिकमेंडेड प्लग इन्स विच आई शुड इंस्टॉल टू गेट स्टार्टेड एंड टू एड न्यू फंक्शनैलिटी टू माई वेबसाइट और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ऑप्शन इतनी ज़्यादा हैं कि मैं खुद भी इस वक्त कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि कौन सा नया प्लग इन है जो मैं आपको ऐड करूँ और उसका दिखाऊँ बट आई वुड लाइक टू एड एन इवेंट्स कैलेंडर आपको नज़र आ रहा है प्लग इन मैं देखूंगा कि लास्ट अपडेट कब हुआ है तो आप देख रहे हैं कि ये एक वीक पहले अपडेट हुआ है और ये कंपैटिबल है मेरे वर्ल्ड के साथ और इसकी 4.5 स्टार रेटिंग है और इसकी 700,000 इंस्टॉलेशन है दिस लुक्स लाइक द राइट प्लग इन टू एड इवेंट्स टू माई वेबसाइट सो आई डू इज आई क्लिक ऑन मोर डिटेल्स एक पॉपअप सामने मुझे नजर आएगा वो पॉपअप मुझे दिखाएगा कि ये इवेंट्स कैलेंडर प्लगइन क्या है इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है एफ ए क्यूज चेंट राइट नाउ आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन इंस्टॉलिंग इट तो मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा एंड वंस आई क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग द प्लग इन एंड इन शॉर्ट टाइम आई विल हैव एक्सेस टू दिस प्लग इन लेकिन याद रहे कि इंस्टॉलेशन इज हाफ द जॉब यू मस्ट रिमेंबर टू एक्टिवेट द प्लगिन So, आप देख रहे हैं कि प्लग इन इंस्टॉल हो गया एंड नाउ आई क्लिक ऑन एक्टिवेट एक्टिवेट एंड जैसे ही मैं क्लिक करूंगा दिस वुड बी एक्टिवेटेड ये देखें जैसे ही प्लग इन एक्टिवेट हुआ मुझे सामने ऑटोमेटिकली नजर आ गया कि इवेंट्स प्लग इन हैज बीन एडेड टू माय वेबसाइट और ये याद रहे कि पहले प्लग इन एग्जिस्ट नहीं करता था इससे मैं अपने वेबसाइट uh, में इवेंट्स की फीचर डाल सकता हूँ। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको इंस्टॉल प्लग इन वाली जगह पे लेके जाना चाह रहा so वो कौन से प्लग आर नाउ एक्टिव सो इवेंट्स कैलेंडर जिस तरह हमने अभी एक्टिवेट किया था दिस प्लग इज नाउ एक्टिव इस तरह के बहुत सारे प्लग और जो जिनके बारे में हम आपको डिटेल में आगे बताएंगे वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं आप इनको कपल करके भी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं जस्ट टू यू गिव यू एन एग्जाम्पल मैं सारों को सिलेक्ट करूंगा एंड आई क्लिक एक्टिवेट आई क्लिक अप्लाई एंड आप देखेंगे कि जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा ऑल दीज थ्री प्लग वुड देखें सारे प्लग इन्स एक्टिवेट हो गए और अगर मैं किसी प्लग इन को डिलीट करना चाहूँ तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन डिलीट एंड ओके एंड द प्लग इन विल बी डिलीटेड तो आपने मेरे साथ सीखा कि नए प्लग इन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड दीज प्लग आर अवेलेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जिस तरह आपने देखा इवेंट्स का प्लगन मैंने इंस्टॉल किया था अब उसकी नई ऑप्शन मेरे पास आ गई हैं आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं आप नए प्लग ऐड कर सकते हैं नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं ये टोटली totally आप पे है कि आपने क्या करना है किस तरह की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है बट प्लग आर द बेस्ट फीचर ऑफ वर्ल्ड बिकॉज दे हेल्प यू मोर फंक्शनैलिटी प्लीज़ ख़ुद ट्राई करें प्लीज़ ख़ुद देखें कि कैसे आप नए प्लगइन्स को ऐड करके अपनी साइट में एक नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं